दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल बालक को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस देखने के लिए। तो स्वागत है आपका फिर से टेक्निकल बालक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि मतलब रेडमी नोट 6 प्रो यूजर्स के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि दोस्तों आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है विल रेडमी नोट 6 प्रो स्टॉप्स एट एंड्रॉइड 9 और नॉट। दोस्तों बने रहिए वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वंश, आप देख रहे हैं टेक्निकल वाले। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले नोट 6 प्रो के स्पेसिफिकेशंस की, जो कि सबको पता है क्योंकि लॉन्च रेडमी नोट 6 प्रो लॉन्च हालांकि सितंबर 2018 में लॉन्च हो गया था, पर फिर भी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आप खाली सिर्फ शॉर्ट में स्पेसिफिकेशंस बताऊंगा 2 या 3, उसके बाद मैं आपको लिस्ट दिखाऊंगा और उसके बाद मैं आपको रीजन बताऊंगा कि वो स्टॉप होगा कि एंड्रॉइड 9 पे कि नहीं। तो मैं आपको रीजन बताता हूं, आपको मैं लेफ्ट में एक स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा जिसमें उसके सब स्पेसिफिकेशंस लिखे हैं। तो मैं आपको एक जस्ट शॉर्ट स्पेसिफिकेशंस बताता हूं। तो Redmi Note 6 Pro जो कि है Note 6 सीरीज का प्रो वेरिएंट है, इसमें आपको 6.2 इंचेस की डिस्प्ले को देखने को मिल जाती है और 1080x2280 पिक्सल रेजोल्यूशन का आपको देखने को मिल जाता है विद 403 PPI। उसके बाद आपको इसके अंदर Snapdragon 636 का SoC देखने को मिल जाता है विद 1.8 GHz Creo 260 octa-core प्रोसेसर देखने को मिल जाता है अलॉन्ग विद 509 GPU। उसके बाद आपको इसके अंदर दो वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, 32GB इंटरनल जिसमें 32GB इंटरनल मिलेगा और 64GB। 32GB इंटरनल में आपको रैम के भी वेरिएंट होते हैं, तो आपको 3GB भी 32GB ले सकते हो और 4GB भी 32GB ले सकते हो। उसके बाद जो 64GB इंटरनल वाला है उसके अंदर आप 4GB/64GB ले सकते हो और 6GB रैम और विद 64GB इंटरनल आप ले सकते हो। फोन के अंदर दोस्तों कैमरा सेटअप कुछ इस तरह से है, फ्रंट में जो है 12+5 MP का, सॉरी जो बैक में जो है वो है 12+5 MP का और जो फ्रंट में है वो है 22+2 MP का। तो उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पे लिखा है द डिवाइस रन्स ऑन 9.0 Pi एंड विल अपग्रेड टू एंड्रॉइड 10 स्टार्टिंग नवंबर 13। तो अब बात आती है दोस्तों, मैं आपको अब लिस्ट दिखा, अब यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ कि ये अपग्रेड होगा 10 में, पर मैं दोस्तों दिखाते हैं जो MIUI.net की जो चाइना वाले जो फॉर्म्स में जो फाइनल लिस्ट निकली है अभी तक के हिसाब से, मैं आपको वो लिस्ट दिखाता हूँ। तो मैं आपको उधर लेफ्ट में कोड लिस्ट दिखाऊंगा, उसके अंदर दोस्तों जो डिवाइसेस हैं वो लिमिटेड है Xiaomi के, क्योंकि दोस्तों ये देखो आप पहले लिस्ट देख लो ऊपर लेफ्ट में आ जो कि आ चुकी है। दोस्तों यहाँ पे लिखे Q4 2019, मतलब दोस्तों क्वार्टर फोर मतलब हो गया दोस्तों अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये 3 महीने 2019 के, और Q1 2020 यानी जनवरी फरवरी मार्च अभी तक के जो। तो दोस्तों आप देख सकते हो Q4 2019 में लिखा है Xiaomi M9 SE M8 की सारी सीरीज लिखी है, एक तरह से MI Mix 2S MI Mix 3 MI Mix 3 5G K20 Pro K20 जो कि आपको हर जगह मिलेंगे। ये कोई ऐसा मतलब ये एक तरह से कह सकते हो, तो मैंने आपको लिस्ट दिया है इसमें जो सारे जो भी डिवाइस लिखे हैं वो सारे फिक्स्ड हैं, बाकी जो डिवाइस ऐड होते हैं अभी तो वो हो जाएंगे, पर ये जो डिवाइस है वो सारे फिक्स्ड हैं। और 2020 यानी Q1 यानी जनवरी फरवरी मार्च की जो है Redmi Note 7 और Redmi Note 7 Pro। अब दोस्तों अब यहाँ से 5 Redmi Note 5 Pro, Redmi Note 5, Redmi Note 6, Redmi Note 6। दोस्तों मैं बताता हूँ अब मेन रीजन आता है जो मेरा टॉपिक अब शुरू होता है कि विल Redmi Note स्टॉप। दोस्तों आप कह सकते हैं जी हाँ कि Redmi Note 6 Pro पे नहीं आएगा एंड्रॉइड 10, क्योंकि दोस्तों डिवाइस इतना चला ही नहीं मार्केट में, उसकी इतनी दोस्तों सेल ही नहीं हुई सिमिलरली नोट 5 प्रो की तरह। आपको दोस्तों नोट 5 में या नोट 5 प्रो में आपको 2 एंड्रॉइड अपडेट देखने को मिल जाते हैं, जो कि हालांकि एंड्रॉइड में सिर्फ 1 अपडेट आता है, आपको फिर भी उधर एंड्रॉइड 2 देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों और आपको Redmi Note 6 Pro में आपको सिर्फ एंड्रॉइड 9 तक ही, आपको 8 पॉइंट जो भी शुरू होता है और उसके बाद आप एंड्रॉइड 9 तक अपडेट कर सकते हो। पर दोस्तों बहुत सारी जगह लिखा है YouTube में कि अभी भी, मैंने बताता हूं दोस्तों 99.5% चांस है कि नहीं आएगा, पर 0.5 मैं इसलिए बोल रहा हूं। तो दोस्तों अब एक और स्क्रीनशॉट देखो ऊपर, मैं आपको एक और स्क्रीनशॉट दिखाता हूं। इधर लिखा हुआ है कि दोस्तों सो द Redmi Note 6 Pro, मैं डायरेक्ट नीचे से पढ़ रहा हूं, so the Redmi Note 6 Pro users have to wait 2020 Q1 or 2020 Q2 मतलब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून 2020 के जून तक ही कर सकते हैं वेट Xiaomi के यूजर्स, ताकि वो कंफर्म कर सकें कि एंड्रॉइड 10 क्या कह सकते हैं Redmi Note 6 Pro पे आएगा कि नहीं। दोस्तों अभी मैं आपको बताता हूँ कि Redmi Note 6 Pro पे अभी तक बीटा वर्जन तक चेक ट्राई नहीं किया गया, क्योंकि दोस्तों वो फोन इतना चला ही नहीं और कह सकते हैं इतना सपोर्ट ही नहीं है कि वो
कि उस पे वो ट्राई कर सके बीटा वर्जन। सिमिलरली दोस्तों रेडमी नोट 5 प्रो की कहानी है कि वो भी इतना मार्केट में नहीं चला तो इसलिए भी उसके अंदर नहीं आया। तो बात आती है दोस्तों आपको रेडमी नोट 6 प्रो में वैसे कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट नहीं मिलेगा, पर आपको यहाँ पे MIUI 11 का जो भी आपको देखने को मिल गया स्टेबल वर्जन 11.0.2 जो कि मतलब कह सकते हैं ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नहीं, बाकी वो एंड्रॉइड वर्जन है, MIUI वर्जन है, पर एक दो फीचर सेम है। उसके अंदर दोस्तों आपको डार्क मोड मिलना था, एंड्रॉइड 10 के अंदर फीचर फोकस मोड इसके अंदर आपको मिल चुका, बट बाकी एंड्रॉइड वर्जन का जो अपडेट है वो अलग ही आएगा। बाकी ये कि अब दोस्तों डिमांड जो है ना रेडमी नोट 6 प्रो में वो है MIUI 11 की वर्जन 2 की, स्टेबल वर्जन 0.2 की, तो दोस्तों वो हालांकि आ चुका है। उसकी डिमांड थी ना कि लोग ज्यादा डिमांड कर रहे थे कि हमें एंड्रॉइड 10 चाहिए जिसको बोलते हैं एंड्रॉइड क्यू, एंड्रॉइड 10 इज नोन एज एंड्रॉइड क्यू जो कि चाहिए रेडमी नोट 6 प्रो के यूजर्स को। दोस्तों मैं आपको बता दूं Redmi Note 6 Pro के यूजर्स की डिमांड है ना वो है 11 के जो पहले जो था 11.0.1 जिससे लोग मतलब बोर हो चुके थे, क्या कह सकते हैं पसंद नहीं करते, उसके बाद 11.0.20 का वेट किया और वो आ चुका है। दोस्तों वैसे लोग चाहते नहीं कि क्योंकि 11.020 बहुत अच्छा अपडेट आया है स्टेबल वर्जन के अंदर, बहुत सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, मैंने पिछली वीडियो में बताया कि क्या क्या आपको फीचर उसको देखने को मिलते हैं, तो इसलिए लोग इतना मतलब कह सकते हैं हल्ला नहीं मचा रहे हैं मार्केट में, ये नहीं कह रहे कि भाई हमारा अपडेट नहीं है, मतलब अपडेट नहीं आ रहा Redmi Note 6 Pro के यूजर्स का, एंड्रॉइड वर्जन 10 नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, तो इसीलिए उनको ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बाकी जिनको पड़ता है बाकी उनके लिए वो अलग है, पर जो आज की वीडियो थी मैंने ये बताना था कि क्या कहते हैं Redmi Note 6 Pro में आएगा कि नहीं, मैंने आपको प्रूफ के साथ बताया, ऊपर स्क्रीनशॉट्स दिखाए हैं कि कौन से डिवाइसेस में आएगा और कौन से डिवाइसेस में नहीं आएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो एंड, तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए पसंद तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना ताकि हमारी हर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे और कैसे भी यूट्यूब से रिलेटेड वीडियोस पहुंचती रहे। तो दोस्तों तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ।